हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले जेमोन कव। और जेमोन कव में दोस्तों क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने अभी तक जो सब डायमंड रखे मैट्रिक्स में किसी भी सरफेस पे, तो आपने क्या वन वन डायमंड रखा है। तो आज जेमोन कव ऐसी चीज है जो आप उसमें सब डायमंड एक साथ आप रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सब डायमंड कैसे रखते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे दूसरे वीडियो नहीं देखे तो उसके लिंक नीचे दे दिए, आप वहां से हमारे सब वीडियो देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक कव लेते हैं। कव को बहुत सारे करके हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं करीब इतना सा। ओके, उसके बाद हम उसको 0.1.8 दे देते हैं, कॉपी करके क्लिक किया, उसके बाद 1.8। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम इसको देते हैं लॉप, और लॉप की शॉर्टकट की है एल स्पेस, ये हो गया। उसके बाद हम इसको हाइट देने के लिए ट्रिपल ई और -1.4 देते हैं हाइट उसकी। ओके, उसके बाद ऊपर की जो सरफेस है उसको डिलीट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हमको क्या करना है कि इसमें डायमंड रखने का। तो डायमंड रखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उसका जो बीच में से ट्विंग को लेना होगा। और ट्विंग को लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डुप्लीकेट को ले लीजिए। और डुप्लीकेट को आप यहाँ से ले सकते हैं, तो को में जाके दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ से आपको डुप्लीकेट को मिल जाएगा। उसके बाद स्पेस कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे ट्विंग को, और ट्विंग को मैंने आपको आगे सीखा है, ट्विंग को क्लिक किया और भी एंटर। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्विन कर्व यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बीच वाला कर्व से सिलेक्ट करना है, उसके बाद F6 करना है। F6 में तीसरा ऑप्शन है जेमोन कर्व। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ चेक करना है तीसरे ऑप्शन में। यहाँ पे आपको करना है सरफेस, और यहाँ पे आपको सेटिंग करनी है फिक्स, उसके बाद सरफेस में क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, ये सब डायमंड हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। फिर यहाँ पे इस तरफ आ जाइए, यहाँ से ये जो पहला ऑप्शन है वो डायमंड का शेपिंग है, मतलब कि दो डायमंड के बीच में आपको जगह कितनी रखनी है। तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम 0.2 ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन है कि डायमंड की साइज आपको कितनी रखनी है। तो हमको तो 1.4 ही रखनी है। अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जब जो भी रखनी है कोई भी साइज में आ सकती है। तो हम वापिस यहाँ पे 1.4 कर देते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद अगर आपको जो इसको यहाँ से आप क्लिक करके डायमंड थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं, इस तरह से देखिए, इस तरह से आप इसको डायमंड को आगे पीछे भी ले जा सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा डायमंड आगे पीछे यहाँ से हो सकता है इजीली। ओके, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर हो गया है दोस्तों, देखिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉन्ग, तो प्रॉन्ग भी आप देखते हैं हम वन वन रखते हैं, प्रॉन्ग भी आप एक साथ ही रख सकते दोस्तों। उसके बाद आपको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर करना है F6। F6 करेंगे तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है प्रॉन्ग। प्रॉन्ग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले 1.4 का डायमंड है, तो अभी हम यहाँ पे प्रॉन्ग की साइज रखेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हम 0.6 कर देते हैं। ओके, उसके बाद एंटर, उसके बाद यहाँ पे दूसरे में भी आपको 0.6 कर देना है, उसके बाद एंटर। उसके बाद प्रॉन्ग की हाइट, तो प्रॉन्ग की हाइट हम ज्यादातर दोस्तों रखते हैं 0.7, तो यहाँ पे हम 0.7 कर देते हैं, और यहाँ पे भी सेम साइज रहेगी 0.7। उसके बाद है ड्रॉप, तो ड्रॉप दोस्तों आपने हमेशा 0.2 रखते हैं, लेकिन जब ए करते हैं आपको वो ड्रॉप रखना है 0.3। ओके, उसके बाद नून, नून का तो मतलब क्या आ गया कि डायमंड जो है आपको प्रॉन्ग पर कितना रखना है। तो अभी हम यहाँ पे 0.25 कर देते हैं। ओके, 0.25 कर देते हैं यहाँ पे हम आपको अभी के लिए। ओके, या फिर 35 भी कर सकते हैं, 35 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर, तो फिल्टर का आपको यहाँ पे रखनी है 80। ओके, उसके बाद टेपर, टेपर आपको रखना है 0। ओके, इसमें कुछ नहीं रखना है। उसके बाद आप सिंपली एंटर दबा दीजिए, तो देखिए आपके सब प्रॉन्ग ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं एकदम सीधी लाइन में सब प्रॉन्ग आए हैं। देखिए दोस्तों, इससे क्या है आपका काम जो एकदम फटाफट से हो जाएगा, और आपको कोई भी देरी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मतलब उसमें क्या होता है कि आपको सब एक प्रॉन्ग वन बाय वन आपको रखना पड़ता है। तो आपको उसके बाद जेम कर, जेम कर आप सबको आता है। ओके, तो आज मैं दूसरा नया सिखाने वाला हूँ कि माइक्रो कर्व कटर, लोग उसको यू कट भी कहते हैं,
एमपी दो नाम है उसके, माइक्रोप्लेन कटर और यू कट। तो हम आज हम करने वाले यू कट। तो यू कट में डायमंड को हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं। ओके दोस्तों, एक और जरा हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो यू कट में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम ये सब बंद कर देते हैं यहाँ से, हमको इसकी जरूरत अभी नहीं है। ओके, अभी ये सब हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। तो यू कट में आपको दिखाता हूँ कैसे करना। सबसे पहले डायमंड रख लीजिए, उसके बाद डायमंड को सिलेक्ट करके ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है ये वाली बॉर्डर, तो वहां से आपको उसको डायमंड का एकदम मूव कर दीजिए थोड़ा सा इस तरह से, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से सेंटर व्यू कर दीजिए, तो आपको सब इधर दिख सकते हैं। उसके बाद डायमंड सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ग्रुप करना है और यहाँ से आपको जाना है कटर में। और कटर में सबसे पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन चैनल बिल्ड, तो चैनल बिल्ड पर क्लिक करना है यहाँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, उसके बाद डायमंड सिलेक्ट करके डायमंड इसमें सब रख दीजिए। ओके दोस्तों, ये हो गया। सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें जो यू कट है, यू कट एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। आप देखने में कैसा करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले आपको जो ये सेटिंग हाइट है, तो ये जो हाइट है उसकी है, तो आपको क्या करना है, ये जो डायमंड है डायमंड की यहाँ तक आपको उसकी हाइट यहाँ तक रखनी है, देख लीजिए ध्यान से देखिए। ओके, उसके बाद है टॉप में कर दीजिए, टॉप में जो ये हाइट है ये वाली, तो आपको ये कितनी लगती है 60। तो यहाँ पे आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं इस तरह से, ये हमने यहाँ पे 60 कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे राउंड है, आपको जो यहाँ पे कैप है कैप राउंड है, क्योंकि आपको कैप चेंज करनी है, जाके फ्लैट आएगी स्क्वायर आएगी इसमें बहुत सारी कैप आती है, तो अभी हम इसमें राउंड ही रखते हैं, ज्यादा अच्छी लगती है। ओके दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपको करना है सिंपल एंटर, उसके बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कटर में जाने का, उसके बाद दूसरा ऑप्शन माइक्रो प्रॉन्ग कटर। ओके, तो ये सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद नीचे यहाँ से इसको आप इधर ही स्क्रॉल कर दीजिए, सब डायमंड सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। और आपको यहाँ से यू कट करना है, यू कट मतलब कि यू शेप का आपको शेप लेना है। ओके, तो यहाँ से हम आपको यू शेप ले लेते हैं, ये हमने ले लिया यू शेप। उसके बाद आपको सेम ही इसमें वही सेटिंग करना होगा, मतलब कि ये जहां पे उसको भी सेम ही इस तरह से आपको रखना होगा। ओके, इस तरह से थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते, ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसकी जो हाइट है आप देखिए यहाँ से ए हाइट वाला ऑप्शन है हमारा दूसरा, यहाँ से ये वाला, तो ये आपको रखना है कितना, जीरो, ओनली फॉर जीरो रखना है। ओके, तो यहाँ से अब इसको जीरो पर सेट कर देते हैं, और ये हमारा जीरो पे यहाँ पे सेट हो चुका है। ओके, उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, एंटर। एंटर करने के बाद इसको आपको बुलियन डिफाइन करना है, बुलियन डिफाइन की शॉर्टकट की है बी डी स्पेस, उसके बाद दोनों सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से आपको इसको बुलियन डिफाइन दे सकते हैं। ओके, इसको ओके कर दीजिए, यहाँ से हमारा देखिए देखो यू कट हो चुका है, देखिए ये हमारा यू कट। तो अभी इसको आपको इसको करना है जैम कटर। ओके दोस्तों, तो अभी हम इसको जैम कटर कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले डायमंड सिलेक्ट कर दीजिए, जैम कटर में चले जाइए, उसके बाद जैम कटर में यहाँ से प्ले कर दीजिए। प्ले करने के बाद यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 100 आएगा, आपको करना है 80, उसके बाद सिंपल एंटर कर दीजिए। ओके, उसके बाद बुलियन डिफरेंट बी डी और फिर डायमंड सिलेक्ट करके ये वाला एंटर। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे बुलियन डिफरेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये हमारा यू कट हो चुका। इसका भी एकदम इम्पोर्टेंट काम आपको सभी जगह पे यू कट काम लगेगा, तो आप ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप वहां से हमारे उनको फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया, और तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।